एक मिनट, चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। रिकॉर्ड कर लो आपको, मैं उधर ही आकर बात करता हूं। सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे। डीपफेक वीडियो के जरिए देश में स्कैम की शुरुआत हो चुकी है और इसका पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। गाजियाबाद से ये वीडियो सामने आया जिसमें डीपफेक के जरिए मोटी रकम का फ्रॉड किया गया है। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको इस पूरे वीडियो का सच बताते हैं और इसके पीछे की कहानी बताते हैं। एक मिनट, चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। रिकॉर्ड कर लो आपको, मैं उधर ही आकर बात करता हूं। सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे। नहीं कोई बात नहीं सर, आप किस लिए, किस लहजे में उठवा रहे हैं आप इन्हें? कोई बात नहीं, आप उठवा रहे हैं, आप द्वारका थाने से बात कर रहे हैं, काट दिया उन्होंने तो। गाजियाबाद के कविनगर पुलिस थाने में एक महिला ने इस स्कैम की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने पुलिस को बताया कि उनके बुजुर्ग पिता ने हाल ही में नया स्मार्टफोन खरीदा था। वो फेसबुक पर जुड़े थे जहां उन्हें एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसे बुजुर्ग ने स्वीकार कर लिया। लड़के ने कुछ समय फेसबुक पर ही बुजुर्ग संग बातचीत की और उसके बाद उसी आईडी से लड़के का एक वीडियो कॉल आया। बुजुर्ग ने जब वो वीडियो कॉल उठाया तो सामने एक बिना कपड़ों के लड़की बैठी थी जिसे देखते ही बुजुर्ग ने कॉल कट कर दिया। इसी के एक घंटे बाद एक पुलिस अधिकारी का फोन आया जिसने बुजुर्ग को धमकाकर उनसे 74,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए और इसके बाद भी और पैसों की मांग की और कहा कि अगर और पैसे नहीं दिए तो उन्हें फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा। स्कैम करने वालों ने बुजुर्ग के फोन पर वीडियो कॉल भी किया जिसमें इस पुलिस अधिकारी की शक्ल दिखाई गई। असल में ये उत्तर प्रदेश पुलिस के आईपीएस प्रेम प्रकाश हैं जो कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं, लेकिन स्कैम करने वालों ने इनका डीप फेक वीडियो बनाकर बुजुर्ग से पैसे ऐंठ लिए। अब बुजुर्ग की बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस डीप फेक वीडियो की जाँच कर रही है और इसके तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है। ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें डीप फेक वीडियो के जरिए किसी के साथ फ्रॉड किया गया है। इससे पहले एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना का एक आपत्तिजनक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और डीप फेक के खतरे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के जरिए देश को सावधान किया था।